ओम शांति। आज का जो हमारा टाइटल है, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ। आज हम बात करेंगे बेटियों पर। आज जो हमारे देश की बेटियां हैं वो कितनी ऊंचाई तक जा रही है, हर काम कर रही हैं, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। और गौरव की बात है, ये हम सब के लिए बहुत गौरवपूर्ण ये बात है। पर एक तरह अफसोस ये है कि आज बेटियां इतने ऊंचे लेवल पर जाकर भी आज हमारी बेटियों का शोषण हो रहा है। उसका एक ये भी कारण है कि हम अपना ध्यान इस तरफ भी लेकर आएं कि अपनी बेटियों को सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताएं, आत्मसम्मान के बारे में बताएं। क्योंकि जब तक बेटियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, अपने आप को नहीं जानेंगी, अपना आत्मसम्मान नहीं करेंगी, तब तक अपना जीवन संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताएंगे तो वो अपनी संभाल कर सकेंगी। हो क्या रहा है आज, क्या होता है, माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो बेटियों को लगता है कि मम्मी पापा हमको प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, माँ बाप तो हमेशा अपने बेटियों को या बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जॉब में होने के कारण वो अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर वो बेटियां बाहर अट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करती हैं, अट्रैक्शन बाहर ढूंढती हैं, तो माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप अपनी बेटियों को मना करते हैं, देखो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी आप पढ़ो। फिर वो उनकी निगरानी करना शुरू कर देते हैं तो बेटियों को फिर ये बातें बुरी लगने लगती हैं। फिर थोड़े दिन के बाद जब वो अट्रैक्शन पर भी वो नाउम्मीद हो जाती हैं, उनसे उनको कोई खुशी नहीं मिलती है, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि एडिक्शन का भी सहारा लेने लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खुद माँ बाप को कहती हैं कि काउंसलर के पास ले चलो, तो माँ बाप को काउंसलर के पास ले जाना पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हम ये करें कि बचपन से ही अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना कर रखें, जाकि वो अपनी सारी बातें आपको शेयर करें और उनकी हर बात आपको मालूम हो। और दूसरी बात, उनको बचपन से मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि मेडिटेशन क्या काम करता है, हमारी पावर को बनाए रखता है, हमारा एनर्जी लेवल को, इनर एनर्जी लेवल जो होता है उसको बनाए रखता है, तो हम कैसी भी परिस्थिति को क्रॉस कर लेते हैं और हम कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगी कि हमें अपनी बेटियों का जीवन बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बेटियाँ भी ये ध्यान दें कि अगर हमारे माँ बाप जॉब करते हैं तो हमारे लिए ही करते हैं, हमारा जीवन बनाने के लिए करते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए करते हैं, हमें एक अच्छी एजुकेशन मिले उसके लिए करते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स हम इस तरीके से दें कि नहीं, हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है, अपना जो हमने लक्ष्य बनाया है उसको जीवन में धारण करना है। और एक पढ़ लिख कर अच्छा ऊंचा पद ही ना पाएं, बल्कि अपने जीवन में नैतिक मूल्य लाकर एक अच्छा इंसान भी बने। उसके लिए हमारे जीवन में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाएं। और कैसे अपने जीवन में मेडिटेशन को ऐड कर सकें, साथ साथ अपना काम भी कर सकें, अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उसको भी प्राप्त कर सकें और मेडिटेशन भी कर सकें, उसके लिए हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।